नमस्कार साथियों, मैं प्रहलाद राय स्वर्णकार। आज हम पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, सब्जेक्ट ईई 303 के टॉपिक अर्थिंग में अर्थिंग मेथड्स। जैसा कि हम इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग की आवश्यकता क्यों होती है, अर्थिंग किन किन चीजों पे निर्भर करती है, अर्थिंग की जो कंडीशंस हैं क्या होनी चाहिए, उसके अलावा अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कितनी रहनी चाहिए। अब आज पढ़ेंगे हम अर्थिंग मेथड्स। अर्थिंग के मेथड्स कौन कौन से हैं? दो मेथड मुख्यतः हैं अर्थिंग के। एक मेथड है पाइप इलेक्ट्रोड अर्थिंग, और दूसरा मेथड है हमारे पास प्लेट अर्थिंग बोलते हैं उसको, प्लेट इलेक्ट्रोड अर्थिंग। दो मेथड प्रचलित है हमारे पास, पाइप इलेक्ट्रोड अर्थिंग और प्लेट इलेक्ट्रोड अर्थिंग। हम बात करेंगे सबसे पहले पाइप अर्थिंग की। देखिए, इसमें एक पाइप जो है गैल्वेनाइज्ड आयरन का पाइप काम में लिया जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था, जिसका जो है, चूंकि गैल्वेनाइज्ड आयरन ले रहे हैं तो उसका जो डाया है वो मिनिमम हमारे पास 38 mm स्क्वायर का होना चाहिए, तो 38 mm स्क्वायर का पाइप काम में लेते हैं, पाइप इलेक्ट्रोड अर्थिंग। पाइप जो है वो लेंगे हम 38 mm स्क्वायर डाया का, जिसके अंदर क्या होता है, हाइट के अलोंग जो है 15 cm के गैप में छेद होते हैं, और प्रत्येक जो छेद है वो जो छेद लगाएंगे वो कितना होगा, 12 mm का छेद होगा, 12 mm का छेद होगा प्रत्येक में, और 15 cm के गैप में होंगे। तो हम एक पाइप काम में लेते हैं, इसमें जो है जहां जब नमी जमीन में जो नमी कम होती है तो उसी के अकॉर्डिंग इस पाइप की जमीन पे लेंथ भी थोड़ी परिवर्तित हो सकती है। इसके साथ ही साथ जो इस पाइप की लेंथ होती है, ये लेंथ होगी हमारे पास 2.5 meters। इसको बाद में हम एक छोटे पाइप से जोड़ते हैं जिसका डाया होता है 19 mm स्क्वायर के पाइप से जोड़ेंगे, और उस पाइप को जो है लगभग हम 1.25 meters अंदर डालते हैं। तो पहला वाला पाइप जिसकी लेंथ होती है 2.5 meters और इसकी लेंथ होगी 1.25 meters, जैसा कि मैं आपको एक चित्र के द्वारा समझाऊंगा। तो ये जो है, सबसे पहले पाइप को नमी वाली जो जगह होती है उसमें नीचे खड़ा किया जाता है। पाइप के नीचे जो सिरा होता है वो नुकीला सिरा रहता है ताकि ये जमीन के अंदर आराम से जा पाए। तो पहले एक गड्ढा कर लेते हैं और गड्ढे में फिर पाइप डालते हैं, और पाइप के दोनों तरफ 15 cm मोटाई में कोयले की जो है एक परत बिछाई जाती है, 15 cm कोयले की परत, उसके बाद 15 cm हम लोग है नमक की परत बिछाते हैं। इस सीक्वेंस में हम कंटिन्यूस 15-15 cm की कोयले और नमक की परत बिछाई जाती है, ताकि ये इसका उद्देश्य क्या होता है कि ताकि वहां पे नमी बनी रहे, और उसके साथ ही साथ जो है वहां का जो कंडक्शन अच्छा बेटर बना रहे जमीन पे। और इसके साथ इसके ऊपर पाइप के ऊपर एक फनल बना दिया जाता है, जहां से हम इसमें नियमित अंतराल के बाद कभी भी जो है पानी डाल सके, और उसको उसकी प्रोटेक्शन के लिए, फनल की प्रोटेक्शन के लिए जो है एक सीमेंट कंक्रीट का जो है एक बॉक्स बना दिया जाता है, जैसा कि मैं अभी आपको चित्र के द्वारा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए साथियों, ये है पाइप इलेक्ट्रोड अर्थिंग का जो है डायग्राम। इसमें देखिए, ये हमारे पास 38 mm स्क्वायर का पाइप है जिसमें 15-15 cm के गैप में ये छेद है, और ये जो है हम 2.5 meters अंदर डालते हैं इसको जमीन के अंदर, और दोनों तरफ पाइप के दोनों तरफ जो है कोयले की और नमक की परत 15 cm मोटी परत बिछाई जाती है। ये जो
पाइप आ रहा है, इसके ऊपर एक 1.25 मीटर का एक रिड्यूसर पाइप लगाते हैं जिसका डाया होता है 19 mm, ठीक है। और इसके सिरे पे, ऊपरी सिरे पे जो एक फनल लगा दी जाती है, और इस फनल की जो प्रोटेक्शन के लिए एक सीमेंट कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, ये सीमेंट कंक्रीट का स्ट्रक्चर। और यहाँ फनल के इस स्पेस पर हमने पानी ढक्कन लगा दिया जाता है, ढक्कन को हटा के हम पानी डालने का प्रोविजन होता है। और यहां से एक वायर जो हम यहां से पूरा का पूरा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां ये पानी डालने का प्रोविजन है, ये हमने पूरा का पूरा जो है 25 सेंटीमीटर ऊपर निकला हुआ पोर्शन होता है। और ये जो पाइप है ये हमारे पास यहां से लेके टॉप से लेके और ये जो रिड्यूसर पाइप का एंड है ये हमारे 1.25 मीटर का होता है। और 1.25 मीटर के बाद में ये जो पाइप होता है 38 mm वाला, ये जो है ये होता है हमारे पास 2.5 मीटर का। यहाँ के दौरान हम कभी जब पानी डालते हैं ये तो क्या होता है, पानी से यहाँ नमी बनी रहती है और यहाँ जो है कंडक्शन बना रहेगा ताकि अर्थ रेजिस्टेंस जो है मिनिमम रहे। जैसा कि मैंने बताया अर्थ रेजिस्टेंस हमारे पास सामान्यतः हम चाहते हैं 1 ओम के आसपास रहे, इस प्रकार से इसका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम मेंटेन किया जाता है। अगर रेजिस्टेंस अर्थ रेजिस्टेंस हमारे पास ज्यादा आ रहा है और हमारे जो इंस्टॉलेशन बड़ा इंस्टॉलेशन सब स्टेशन का इंस्टॉलेशन है तो हम क्या करते हैं एक से ज्यादा अर्थिंग करके और उन सबको पैरेलल कर दिया जाता है ताकि जो अर्थ रेजिस्टेंस को हम कम से कम ला पाए। इस प्रकार से जो है पाइप अर्थिंग किया जाता है, ये पाइप अर्थिंग का डायग्राम है। ये देखिए ये हमारे पास केबल है, पाइप अर्थिंग में लगने वाले सामान की जो सूची बनाएंगे वो हम इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम सामग्री का नाम विथ स्पेसिफिकेशंस और यहाँ लिखेंगे हम इसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए। देखिए सबसे पहले जैसा मैंने बताया आपको 30 mm डाया का जो है हमारे पास 2.5 मीटर लंबा एक लोहे का पाइप होता है, ठीक है। उसके बाद उसके लिए रिड्यूसर लगा के हम एक 19 mm का पाइप लगाते हैं, लगभग उसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। उसके पश्चात हम एक 12.7 mm व्यास का जो है एक GI पाइप लेते हैं जिसकी लेंथ रखते हैं हम 0.75 मीटर। फिर जो है एक रिड्यूसिंग सॉकेट लगाया हमने 38 mm से 19 mm करने के लिए। इसके साथ ही साथ ये जो पाइप बाहर निकालेंगे जिसके कनेक्शन के लिए 12.7 mm का व्यास का एक बार पॉइंट लाएंगे। फिर ऊपर जो है हम एक उसकी प्रोटेक्शन के लिए, कीप की प्रोटेक्शन के लिए 30x30 एक कास्ट आयरन का एक ढक्कन रखेंगे, क्योंकि जो कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट बना रहे हैं तो एक ढक्कन चाहिए। GI का नट एंड वॉशर चाहिए। फिर एक तार की जाली जो कीप की प्रोटेक्शन करती है। एक कोयला और नमक इनका चूरा चाहिए। सामान्यतः हमें जो मात्रा लेंगे वो 50 kg लकड़ी का कोयला और नमक जो है लगभग 20 kg। फिर हमारे पास अर्थ वायर जो चाहिए, ये अर्थ वायर हम उसके द्वारा निकालते हैं। अगर कॉपर वायर काम में लेते हैं तो 10 स्टैंडर्ड वायर गेज का, 6 स्टैंडर्ड वायर गेज का, 4, 8 और 6 इस प्रकार से हम तार कहेंगे। और सीमेंट कंक्रीट का जो है वो अनुपात चाहिए हमको 1, 4 और 8। ये हमारे पास सामग्री की सूची है जो कि पाइप अर्थिंग के लिए चाहिए होती है। तो ये सामग्री की सूची भी हमें बनानी होती है। तो ये सामग्री की सूची का विवरण। अब बनाते हैं हम प्लेट अर्थिंग। देखिए ये ज्यादातर प्रयोग में आने वाली का मेथड है, ये ज्यादा प्रयोग में किया जाता है जब और इस प्रकार के एप्लीकेशंस जहां हमारे पास जो है जमीन ऐसी हो जहां हम आराम से खड्डा कर सकते हैं तो वहां प्लेट अर्थिंग की जाती है और सबसे ज्यादा पॉपुलर यही है। इसमें जो हम प्लेट काम में लेते हैं, प्लेट काम में लेंगे जैसा मैंने बताया था आपको, अगर हम GI प्लेट काम में लेते हैं तो उसकी साइज होगी 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और उसकी जो मोटाई होगी वो 6.3 mm। और अगर हम कॉपर की प्लेट काम में लेंगे तो उसकी साइज होती है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और उसकी जो मोटाई होती है वो 3.15 mm की काम में लेते हैं। इसमें जो खड्डा किया जाता है वो सामान्यतः 2 मीटर का खड्डा करते हैं, 2 से 2.5 मीटर का गहरा खड्डा करेंगे जिसकी साइज जो है लगभग 1.5x1.5 मीटर की चौड़ाई लंबाई करेंगे, चौड़ाई और करेंगे। और इसके बाद क्या करते हैं, इसमें जो है जैसा मैं आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा, प्लेट को जो है सबसे पहले खड़ी रखा जाता है।
प्लेट को खड़ा रखे और उसके दोनों तरफ जो है कोयले का और नमक का 15 सेंटीमीटर मोटी लेयर बना दी जाती है। और इसके साथ इसको जो है इसको अंदर नमी मेंटेन करने के लिए एक पाइप के द्वारा जोड़ते हैं, जो 19 mm का पाइप लाते हैं। और कनेक्शन के लिए जो है हम एक अलग पाइप, छोटा पाइप लेंगे 12.7 mm का, जो नट बोल्ट के द्वारा इस सीट के साथ जोड़ दिया जाता है। अगर सीट कॉपर के काम में लेते हैं तो हम कॉपर का तार निकालेंगे बाहर, और अगर हम जीआई की सीट काम में लेते हैं तो हम जो है जीआई वायर बाहर निकालेंगे। तो अगेन ऊपर से एक फनल बना दिया जाता है और उसको सीमेंट कंक्रीट से कवर कर दिया जाता है। इसके अंदर इसका डायग्राम और इसकी सूची मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये हमारे पास प्लेट अर्थिंग का डायग्राम है। ये देखिए आपको जो सरफेस से लेके 1.5 मीटर नीचे इतना खड्डा करने के बाद हम उसके नीचे प्लेट लगी जाती है, मीन्स प्लेट का ऊपरी सिरा और अर्थ के ऊपरी सिरे के बीच में 1.5 मीटर का गैप रखना होता है। तो ये जो छेद है हम लगभग 2.25 मीटर छेद करेंगे, 2.5 मीटर का छेद करेंगे, और सबसे नीचे जो प्लेट है वो खड़ी रखी जाती है। ये खड़ी इसके दोनों तरफ जो है कोयला और नमक का 15-15 सेंटीमीटर का लेयर बिछाई जाती है। इसके बाद देखिए एक पाइप जोड़ते हैं हम इसको पानी सप्लाई के लिए, उसके ऊपरी सिरे पे एक कीप बना दिया जाता है और एक चेम्बर बना के सीमेंट कंक्रीट से उसकी चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट से उसका एक ढांचा तैयार करके और उसके ऊपर कैप रख लेते हैं। और एक वायर जो इससे क्लेम्प करते हैं, जैसे ये डायग्राम में देखिए आप इस प्रकार से जोड़ते हैं, और ये पाइप 12.7 mm का जीआई पाइप आता है। ये जीआई पाइप आके इसको हम सेपरेट निकाल लेते हैं, जिसके द्वारा कि हम जो है वायर बाहर निकाल लेते हैं, जिसको आगे कंटिन्यूटी वायर जोड़ने के लिए काम में लेंगे, जिससे कि हम अर्थिंग करेंगे। और इस पाइप के द्वारा हम इसमें नमी मेंटेन करने के लिए पानी डालते हैं। तो जो है ये देखिए ये पाइप आ रहा है, तो इस प्रकार से इसका कनेक्शन करेंगे। अगर ये कॉपर की प्लेट लेंगे तो यहाँ कॉपर वायर निकालेंगे, और अगर ये जीआई प्लेट लेंगे तो ये जीआई वायर निकालेंगे। तो ये पूरा जो है आपके पास इसका एक डायग्राम हो गया। अब इसकी हम एक सूची बनाते हैं, इसमें लगने वाले सामान की सूची बनाते हैं। ये देखिए इसमें लगने वाले सामान की सूची। सबसे पहले हमको जो है एक कॉपर की प्लेट लेंगे। अगर कॉपर की प्लेट ले रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर और 3.15 की लेंगे, और अगर जीआई की लेंगे तो वो 90 सेंटीमीटर और मोटाई होगी उसकी 6.30 mm। कहीं कहीं मैंने इसको 60 भी बताया, लेकिन अगर जीआई की लेते हैं तो 90 ज्यादा प्रिफेर करेंगे। इसके अलावा एक 19 mm का पाइप लेते हैं, जीआई पाइप, जो कि कीप से पाइप इसको जोड़ेगा प्लेट को, जिसके द्वारा हम पानी डालेंगे। एक 12.7 mm व्यास का एक जीआई पाइप लेंगे, जिसके द्वारा हम एक वायर निकालते हैं बाहर, और उसकी एक एल्बो लेंगे 12.7 की एल्बो, जिसके द्वारा कि हम एंगल पे करके उसको निकालते हैं। एक देखिए हम 30 सेंटीमीटर का कास्ट का ढक्कन लेंगे, कास्ट आयरन का ढक्कन, जो कि हमारा ऊपर जो कीप बनाया उसको कवर करेगा, सीमेंट कंक्रीट का जो ढांचा बनाया उसको कवर करने के लिए। एक तार की जाली लेंगे कीप के सहित, फिर लकड़ी और कोयले का चूर्ण, अगेन वही 40-20 किलो नमक, जीआई का जो लगने, अगर जीआई ले रहे हैं तो नट बोल्ट वॉशर लेंगे, अर्थ वायर लेंगे, कॉपर वायर ले रहे हैं, और जीआई वायर 1-1 किलो लेंगे, और सीमेंट कंक्रीट का रेशियो है 1:4:8 रखते हुए हम इस प्रकार से एक सामान की सूची बनाएंगे। इस जो है इसके द्वारा हम अगर प्लेट अर्थिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास ये सामग्री होनी चाहिए। इस प्रकार से अर्थिंग के लिए हम पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग करते हैं, और सामान की सूची और विथ डायग्राम।